आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. बात करेंगे यस बैंक के बारे में. अभी आई है बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपग्रेड हुआ है यस बैंक के लिए. दिस विल बिकम अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर यस बैंक, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एज वेल एज एक्टिविटी फॉर करस्पोंडिंगली एनवायरमेंट सेविंग. कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP के तहत इन्होंने रेटिंग को सरपास कर दिया है. ग्लोबल एवरेज रेटिंग C है और अगर हम फाइनेंशियल सर्विस की देखें तो B- है. और यहां पर बैंक ने इसकी लीडरशिप पोजीशन ली है AA-, 8 out of 12 कैटेगरीज ऑफ कार्बन डिस्क्लोजर. और ये ओनली 21% ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सर्विस है जो इस लीडरशिप पोजीशन को लिया है. तो इंडिया में काफी अच्छी पोजीशन बना के रखी हुई है इन्होंने इसके लिए. यहां पर निरंजन बनोदकर जी जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इन्होंने कहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस इज अ मेजर चैलेंज ऑफ अवर टाइम्स. एज एन ऑर्गेनाइजेशन यस बैंक इज फुल्ली कमिटेड टू कंट्रीब्यूट इट्स बिट नॉट ओनली टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस ऑफ इट्स बिजनेस अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क बट ऑल्सो सपोर्टिंग एन एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टू लो कार्बन. तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपने पैरामीटर्स को ग्रीन एनर्जी के साथ फंड्स करने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रोकर का भी मिक्स है, 21 से यहां से अभी 25 से 27 या 25 से 31 तक का इसका टारगेट बताया जा रहा है. हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने अपना अब बेस शिफ्ट कर दिया है फर्दर. पहले 11 था, 12, 13, अब इसका बेस 18 बन गया. 18 के नीचे अब शायद नहीं जा पाएगा. क्या बैंक 2023 में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? ए स्टडी के अकॉर्डिंगली पब्लिक सेक्टर बैंक्स शायद यहां पर अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेंगे और साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो HDFC बैंक है उसका मर्जर 2023 में एक लार्ज पोजीशन लेके आएगा. यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अच्छा हाइक बना के इसके लिए काम करना शुरू किया है. अब अगर हम बात करें इनके जो 15% स्टेक है वो ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, 15% का इनके पास बेनिफिट रहेगा. बट RBI का इनको यहां पर जेसी फ्लावर के साथ परमिशन चाहिए 10% से स्टेक इंक्रीज करने के लिए, 20% तक का स्टेक लाने के लिए ये RBI के साथ डिस्कशन कर रहे हैं. आइए जरा चलकर टेक्निकल व्यू देखते हैं इसका. 20.65 रुपए बंद हुआ है, 2.5% के आसपास ये चढ़कर कारोबार किया है. 50 मूविंग एवरेज 18 रुपए के आसपास है. तो जैसे मैंने बताया अब 18 रुपए के नीचे आना ये बहुत मुश्किल लग रहा है स्टॉक. यहां पर अगर फ्राइडे का वॉल्यूम देखा जाए तो करीब करीब इसने 290 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज की है. बुलिंजर बैंड का डायरेक्शन अपवर्ड चल रहा है और देखिए काफी अच्छा सपोर्ट लिया मिड लेवल से. अब सबसे पहले फिर से 23 का लेवल पहुंचने की कोशिश करेगा. तीनों लेवल पर एलिगेटर के बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है. सुपर ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस है 22.45 रुपए के आसपास. ये जब क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस किया तो फिर से इसका बाय सिग्नल इमर्ज होगा. RSI 57 जो कि एक स्लाइटली पॉजिटिव जोन है. MACD ने सेल सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है. तो इन सब पैरामीटर के बेसिस पर आप चाहें तो यहां कंसोलिडेशन करंट मार्केट प्राइस से 18 के बीच में अलग अलग लेवल पर इसको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं. अगर हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है मेल ड्रॉप करेंगे. जय हिंद.